नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। शिखर धवन के अगुवाई में टीम इंडिया के खिलाड़ी इस वक्त श्रीलंका के दौरे पर हैं, जहां टीम को 3 वनडे और 3 T20I मैचों की सीरीज खेलनी है। पहले कई बार रद्द हो चुकी सीरीज को आखिरकार भारतीय टीम के बी खिलाड़ियों के साथ कराने के लिए श्रीलंकन बोर्ड तैयार हो गया था। हालांकि इसको लेकर भी काफी विवाद हुआ था, लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जिसने एक बार फिर से इस दौरे पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इंग्लैंड से लौटी टीम के बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अब खबर आ रही कि टीम के डेटा विश्लेषक जीटी निरोशन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। श्रीलंकन टीम में कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने का यह दूसरा मामला है। श्रीलंका क्रिकेट ने अपने बयान में बताया, श्रीलंका राष्ट्रीय टीम के डेटा एनालिस्ट जीटी निरोशन को कोविड-19 में पॉजिटिव पाया गया है। इसमें कहा गया है कि ग्रांट फ्लावर के कोविड-19 पॉजिटिव आने के बाद राष्ट्रीय खिलाड़ियों, कोचों और सहयोगी स्टाफ का परिवार को PCR परीक्षण से गुजरना पड़ा था, जिसमें जीटी निरोशन पॉजिटिव पाए गए हैं। श्रीलंका को भारत के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20I मैचों की सीरीज खेलनी है, जो 13 जुलाई से शुरू हो रही है। भारतीय टीम पिछले कई दिनों से इसकी तैयारियों में भी जुटी है। रविवार को टीम धवन ने दूसरा इंट्रा प्रैक्टिस मैच भी खेला, लेकिन 2 कोविड-19 केसों के आने के बाद भारतीय खेमे में टेंशन खासी बढ़ गई है। BCCI मामले पर लगातार नजर बनाए हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सीरीज होगी या नहीं, क्या इतने रिस्क में सीरीज खेलना चाहिए। भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे और 3 T20I मैच खेले जाएंगे। वनडे सीरीज का पहला मैच 13 जुलाई से शुरू होगा, दूसरा वनडे 16 जुलाई और तीसरा मुकाबला 18 जुलाई को होगा। इसके बाद टीम इंडिया T20I सीरीज का पहला मुकाबला 21 जुलाई को खेलेगी, दूसरा मैच 23 जुलाई को और तीसरा T20I मुकाबला 25 जुलाई को होगा। सभी मुकाबले कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।